झांसी जिले के चिरगांव से बड़ी खबर सामने आई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। आसान लोगों ने जमकर की नारेबाजी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आसान लोगों ने कहा क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदल कर नई प्रतिमा लगाई जाए। झांसी जिले के चिरगांव के अम्बेडकर नगर में भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति को रात्रि के समय अराजक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया। जब सुबह इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मौके पर थाना प्रभारी SDM सहित तमाम थाने से पुलिस फोर्स सहित चिरगांव थानाध्यक्ष संतोष कुमार अवस्थी मौके पर पहुंचे। लोगों की मांग है जल्द से जल्द इस क्षतिग्रस्त प्रतिमा को बदल कर नई प्रतिमा लगाए जाने और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किया जाने की मांग की। ब्यूरो चीफ झांसी समद अली। भैया जैसे कि जो आपके पीछे अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है तो उनका जो हाथ है किसी ने क्रैक कर दिया है, तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, तो ये आपने कब देखा? जी एक 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 करके बताओ। यहाँ पर 5 बजे खड़े थे हम लोग, थोड़ा बात कर रहे थे, काम की बातें करने लगती हैं। हाँ। बात करके थोड़ी लेवा मेरी खाली मूर्ति के ऊपर, तो मैंने देखा कि ये लोग मैंने कि सीधी थी ये टेढ़ी दिखानी, फिर और गौर से देखा तो मैं मोहल्ले में खबर करने का कि हाथ टूट गया। अच्छा, तो आप लोगों को क्या मतलब किसके ऊपर शक है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ऐसा किया हो, ये कोई जानकारी नहीं? तो फिर आप लोगों ने सूचना की पुलिस को? टाइम पे प्रशासन आया, टाइम पे क्या क्या आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं? एकदार हो तो एकदार, दूसरी बार है जी, दूसरी बार हादसा हुआ है। हाँ, पहली बार यहीं का हुआ था तालाब मोहल्ला चिरगांव का, दूसरी बार पहाड़ी का हुआ था जी, तीसरी बार फिर तालाब मोहल्ला का फिर हुआ है। संविधान की रचयिता के साथ बार बार ऐसा होना, ये तो हम लोगों को वही तो मान सम्मान में बात आएगी तो कब तक शांत बैठेंगे बताओ जी। है तो हम लोगों को तो न्याय चाहिए। न्याय का मतलब मूर्ति तो हम लोग कभी भी ले आके धर सकते हैं, मगर मूर्ति ऐसे नहीं रखेंगे। पहले चाहिए मुलजिम जी, मुलजिम चाहिए। उससे भी हम लोग पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या वजह है, किसके जरिए से तोड़ी जी, उस वजह से आप गिरवे जी हादसा कर रहे हो, तोड़ रहे हो। जब बात सम्मान की आती है तो शांत नहीं रहता जी। मूर्ति तो हम लोग खड़ा कर लेंगे, एक नहीं 10 कर लेंगे, उससे नहीं है। मगर अभी तो प्रेजेंट में यही सोच रहे हैं कि न्याय मुलजिम सामने चाहिए। घटना कितने बजे की है लगभग? आप लोगों ने जब देखा जा रहा है कि 12:30 तक हमारे कुछ बस्ती के लोग वापसी भी लौटे जी, जब बिल्कुल बरकरार था हाथ, ठीक है, ये 1 बजे के बाद हादसा हुआ है। अच्छा भैया ये बताओ यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं क्या? हमने 2 बार अवगत कराया हुआ है, मगर CCTV कैमरा नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पर नहीं लगे हैं। और तीसरी बात ये है बहन जी, तीसरी बात ये है बहन जी कि जैसे इधर बिजली विभाग बना दिया, पूरा ट्रांसफार्मर वहीं पर रख दिया जी जी, इसकी भी अपने 1-2 बार शिकायत की है, मगर इसकी भी सुनाई नहीं हो रही है। अगर जैसे बस्ती है, घनी बस्ती में कहीं ट्रांसफार्मर तो रखा नहीं जाता, आप ये बताओ जी। और ये तो ओपन खुले में रखा हुआ है, अगर हमारे बाबा साहब का कोई कार्यक्रम हो तो वो भी नहीं कर सकते, कोई बच्चे खेले तो वो भी नहीं हो सकता इधर जी। मतलब ऐसा थोड़ी होता दीदी, सुनाई नहीं होती हम लोगों की, तब सुनाई नहीं होगी तो मजबूरी में हम लोग एकत्रित होके इकट्ठे रहोगे तो फिर मजबूरी में हम लोगों को। अब आप लोग कब तक, आप लोग जो एकत्र हुए हो कब तक एकत्र रहोगे और अब क्या निकलना चाहिए? हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं, सामने नहीं आएगा। ठीक भैया, धन्यवाद।